सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि छोटी सी हाँ और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच्ची बात पक्की बात, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय के लिए रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह पूरी जिंदगी भर रोएगा। आज का पंचांग 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह 10:17 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 2:19 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रात्रि 2:49 तक रहेगी, मेष राशि पर संचार करेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर प्रवेश करेंगी। धनुराशि 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, आपके एकाग्रता और विचार शक्ति इस समय अपने चरम पर है और इसीलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के बारे में और भी संवेदनशील हैं। इससे आपको पिछले कुछ मतभेद सुलझाने में मदद मिलेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आप काफी पहले अलग हो गए थे। यह समय आपकी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने का है। इसके लिए आपको कुछ झुकना ही क्यों ना पड़े तो आप झुक जाएं। आज काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप पूरे मन योग और ऊर्जा से उन्हें संपन्न करने में सक्षम भी रहेंगे। यह समय अपनी प्रतिष्ठा और क्षमताओं को जागृत करने का है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। किसी के मार्गदर्शन के बिना ही आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लेकिन योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन द्वारा आपसे जो गलतियां हो रही है उन्हें टाला जा सकता है। हर एक काम खुद से ही करने की जिद आपका नुकसान करा सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पार्टनर की हर एक बात पर नियंत्रण बनाए रखने की जिद रिलेशनशिप में तनाव बढ़ा रही है। पैर और घुटने से संबंधित समस्या तकलीफ दे सकती है। सावधानियां, कुछ लोग आपकी कामयाबी की वजह से जलन की भावना भी रख सकते हैं, परंतु सबको नजरअंदाज करके आप अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें, अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना सबको खुशी देगा। आपको अपने पार्टनर के धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो आपकी कई बातों को लंबे समय से सहन करते आ रहे हैं और आपको खुश करने की कोशिश पर भी आपके गर्म मिजाज के बावजूद आपसे अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। आपको एक बार कुछ बुरा लग भी गया तो भी उन्हें माफ कर दें। वो खुद भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग है। आज का दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी साथ लाएगा जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार की वजह से आज आप कुछ हल्के फुल्के खरीदारी भी कर सकते हैं। मीडिया और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े व्यवसाय अधिक सफल रहेंगे। समय अनुकूल है, इसका उचित उपयोग करें। थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत अधिक फायदा प्रदान करेगी। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय सावधानी बरतें। बात करते हैं सेहत की।
अगर आप अपने खान पान संबंधित दैनिक आदतों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। दूसरी तरफ जंक फूड से न केवल आपका शरीर प्रभावित होगा बल्कि आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने फिट शरीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। थोड़ी से अधिक स्वास्थ्यकर जीवन शैली से आप फिट शरीर की इस खुशी को लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।